आदर्श आबोहवा के लिए राजधानी रांची न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में मशहूर है। और जब बात नए साल के स्वागत का हो, इस्तकबाल का हो, तो बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो न सिर्फ झारखंड के विभिन्न ज़िलों से बल्कि विभिन्न राज्यों से भी यहां पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के टैगोर हिल में, जहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, जो दूर दराज से जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं वो आज के दिन खास तौर पर यहाँ पर आई हुई हैं। और तमाम लोगों के चेहरे में ये कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जो है आपको नज़र आए, और लगातार जो है इन सीढ़ियों से आप पर्यटक आपको नज़र आएंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज के दिन का वेलकम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, बल्कि तमाम जो लोग हैं, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। कहां से हैं भाई साहब आप? एक्चुअली हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार से हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य से आप आए हुए हैं, तो जिला भी बता दीजिए, कौन सा जिला? सिवान जिला से। सिवान से आप आए हुए हैं। खैर, यहां पर आपको क्या नज़र आया और क्यों आए हैं यहां पर आप? एक्चुअली हम घूमने के लिए आए हैं। यहां का नज़ारा बहुत अच्छा है जी, और हमें काफ़ी आनंद मिल रहा है यहाँ पे। जी जी जी, तो यहाँ के बारे में कुछ समझा है, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, कुछ बताया? एक्चुअली इतना तो नहीं पता है मुझे। नाम टैगोर हिल है तो जाहिर से बात है टैगोर से आपसे जुड़ा हुआ होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तो ये आप जब सोच कर आए थे वो चीज़ यहाँ पर नजर आई कि नहीं आपको? जी बिल्कुल आई, मुझे लगा कि यहाँ पूरे रांची का नज़ारा मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिला जी। और जाड़े की वजह से आपको धुंध भी नजर आ रही होगी। जी जी, तो आपके परिवार के तमाम लोग आए हुए हैं? जी हाँ, मेरे बड़े भाई साहब भी लोग आए हुए हैं। अच्छा 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 जी, कैसा रहा सर? कैसा? बहुत अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। एक्चुअली इस टाइम पे हाँ, हम लोग मैच में भी मिल चुके हैं, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो इस वक्त क्या है कि थोड़ा धुंध है तो उतना साफ नज़ारा नहीं दिख रहा है। यही जब गर्मी के टाइम में मौसम जब साफ रहता है तो ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन नज़ारा रहता है। और यहाँ शाम के टाइम का जो सनसेट होता है ना, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। सनसेट के लिए ये जगह मेन स्पॉट है। तो अगर किसी को आना है यहाँ पे तो आप कोशिश करिए कि 3:30-4 बजे के बीच में आइए और शाम को सनसेट तक रुकिए, तब यहाँ का नज़ारा आपको देखने लायक मिलेगा सर। वैसे तो झारखंड में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि अगर सनसेट हो या सनराइज देखना हो तो नेतरहाट वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है वो दुर्लभ होता है। और तमाम जो लोग हैं, आप बड़ा इत्मीनान और सुकून से बैठे हुए हैं, तो हम आपसे ही बात कर लेते हैं जरा। जी जी जी, तो इतना आज के दिनों कुछ अज़्म और इरादा लिया है क्या? आज के दिन इरादा तो बहुत अच्छा लिए हैं कि मतलब इरादा लिए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए, किसके लिए? इरादा तो फिलहाल खुद के लिए किए हैं, बता दीजिए, ताकि दूसरे लोग कि ताकि मतलब अपने करियर को थोड़ा संवारने का, नए साल में थोड़ा करियर संवारने का, आज हाँ और बेहतर बनाना है। अभी मतलब करियर में देखिए, जितना कुछ अगर आपको जितना अचीव करते आपको उतना अचीव करना है। हाँ, जितना आप अचीव कीजिएगा उतना आपके लिए कम पड़ेगा। तो मतलब बस यही एक इरादा लेकर चलना है कि आगे आगे बढ़ना है। आपने तस्वीर ले लिया, आप बताइए कि आपने क्या आज़म लिया, इरादा किया है? आज का इरादा ये है कि अपने करियर में आगे बढ़ना है, देश खास करके रांची को साफ सफाई थोड़ा सा बेहतर करना है। आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ तक है कि एडुकेशन को लेके कुछ आगे करना चाहिए। आपके मम्मी पापा हुए? नहीं, नहीं। आप लोग भी आए हुए अंकल? आप लोग भी आए हुए? हम आए हैं नामकुम से। नामकुम तो रांची हुए? हाँ, हम लोग घूमने आए हैं। बताइए, हम लोग सोचे थे नामकुम जाए, आप नामकुम से यहाँ पर आ गए? हाँ, घूमने आए हैं टैगोर हिल की। भाई कोई खास तो नहीं बना हुआ है जितना सोच के आए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। दर्शकों को भी बताएं कि इसका जो मेंटेनेंस है अप टू मार्क नहीं है। जी जी, केवाड़ी खिड़की जितना भी हो थोड़ा सा अच्छा लगता देखने में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक एक ऐतिहासिक जगह है और टैगोर हिल है, टैगोर हिल के नाम से प्रसिद्ध है, तो सरकार की इस पर अधिक से अधिक के ध्यान देना चाहिए, आकृष्ट करना चाहिए। तो सरकार का ध्यान किधर रहता है जब इन चीजों पर नहीं होता? नहीं, सरकारों का ध्यान इन चीजों पर नहीं होता। यदि सरकार के ध्यान रहता तो इस पर पेड़ पौधे चढ़ने की सीढ़ी की व्यवस्था अच्छी होता, लेकिन सरकार की लोगों व्यवस्था नहीं है। और ये झारखंड की धरोहर है, इसको बचाने की आवश्यकता है। झारखंड में ऐसे ऐसे धरोहरों को बचाने से ही झारखंड की प्रगति और सुचारू रूप से चलाने में सुविधा प्राप्त होगी। पर्यटन मंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं हफीजुल हसन साहब, तो सुनिए, ये तमाम जो पर्यटक हैं दूर दराज से आए हुए हैं, और आपके विभाग में और कामकाज बेहतर होना चाहिए, समझना जरूरी है। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? रांची से। कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। क्या देखी, क्या समझी, क्या है कुछ पता चल पाया, क्या इसका इम्पोर्टेंस इस जगह का? बस यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा है,
देखने में बहुत अच्छा लगा। अंकल तो बोल रहे हैं व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको कैसा लगा? ठीक सफाई नहीं है, सीढ़ी आने जाने की दिक्कत। अब सब आएंगे तो गंदा करेंगे, सबको ध्यान की जिम्मेदारी है ना? हाँ, ये हम लोग की जिम्मेदारी है, रखना चाहिए हम ही लोग को। जी जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से आपको पूरे की पूरी जो राजधानी है कमोबेश वो आपको नजर आ जाएगी। और कहते हैं कि जो राजधानी रांची है वो भी कंक्रीट के जंगल में तब्दील होती जा रही है, उसका अक्सर उसका नज़ारा आपको सामने नज़र आएगा। क्योंकि ये जाड़े का मौसम है लिहाजा आपको धुंध नज़र आ रही है, तस्वीरें थोड़ी धुंधली होंगी, लेकिन जो कहानी है बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। और हम लोगों ने पहले जब भी यहाँ पर आया है इस तरह की गंदगी, इस तरह का की अव्यवस्था नहीं देखी है, लेकिन आज इत्तेफाक है इस तरह की देखने को मिल रही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखिए तमाम जो है अपने फैमिली के साथ परिवार के साथ आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं आज के दिन को अपने कैमरे में भी कैद करने की कोशिश हो रही है। और इधर आप देखेंगे, इधर जो एक पठार का बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर देख आपको इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। और ये झारखंड की अपनी पहचान है, क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार है, आपको जो पठार ही नज़र नहीं आएगा तो छोटा नागपुर का जो अस्तित्व है और जो उसकी पहचान और शिनाख्त है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुआ, जिसके बाद रांची के उपायुक्त ने इस पूरे टेगरो हिल एरिया की और ख़ासकर इस पर्टिकुलर लोकेशन की मापी करवाई है, ताकि जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उससे बाहर निकाला जा सके और इस स्थल की जो सुरक्षा है उसकी सुनिश्चित किया जा सके, उसे और बेहतर बनाया जा सके। तो बहरहाल आज के दिन तो आपको और चीज़ों को देखना समझना है। तमाम देखिए छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो सेल्फी का जो एक क्रेज़ है, रील का जो एक क्रेज़ है वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। तमाम जो लोग हैं आज के दिन में एंजॉय कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए अंकल जी भी आए हुए हैं, आज लग रहा है अब कुछ ज़्यादा जवान महसूस कर रहे हैं। जी ऐसा आपको अवश्य महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। जी जी। 2022 से हम लोग 2023 में आ चुके हैं जी। और 2023 का प्रारंभ हो गया है। जी। कितने साल हो गए शादी की आपकी? हमारी शादी की ये 25वीं साल प्रारंभ हो गई। आप बताइए आंटी कैसा रहा इस साल एक्सपीरियंस? अंकल ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। मैं ये कह रहा था कि कुछ अज़्म और इरादा लिया है नए साल को लेकर के? हाँ, नए साल में तो कुछ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल हम लोगों के बीते हैं लोग तो निकल नहीं पाए थे कोरोना की वजह से। सिर्फ निकल नहीं पाए नहीं, मतलब कि कहिए कि कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी रही कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से लोग बहुत परेशान रहे, है ना। साल के आखिर जाते जाते फिर एक बार खबर मिलने लगी। हाँ, खबर मिलने लगी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है सो इस कोरोना को आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आप बहुत जगह विजिट भी किए होंगे, तो इस बार लोग निकले हैं घर से, बहुत बड़ी संख्या, लेकिन में है कि जो संख्या और कोरोना नहीं के समय में थी उसके मुकाबले अभी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। हम आप ही के पास आ रहे हैं, हम लगातार मोबाइल से बना रहे हैं। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा खुला है मौसम, अच्छा है मौसम भी, होता धूप नहीं है तो बेहतर है। एक रहता है ना कि 1 जनवरी है तो चलो कहीं थोड़ा घूम लेते हैं, कहीं छुट्टियां मना लेते हैं, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। आउटिंग होने से तो फायदा। हाँ बिल्कुल। आप कहाँ के हैं? रांची के हैं? जी रांची के हैं। तो यहाँ पर पहले आया था या पहले सुना था इस बारे में? नहीं, यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। हाँ, पहले। और आपसे कुछ तब्दीली नजर आ रही है? नहीं, पहले से और खराब ही हो गया यहाँ का सिचुएशन। ये तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किए हुए हैं और काफी अच्छा लगा फर्स्ट टाइम विजिट करने के बाद यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पर्यटन स्थल जो झारखंड सरकार कर रही है, धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप करे, यही उम्मीद करते हैं। ये जो शिकायतें हैं कम से कम पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन साहब को जरूर नोट कर लेनी चाहिए, ताकि उनको ये समझ में आए कि नए साल में क्या कुछ करना है उनके विभाग में। और दूसरे छोर की भी तस्वीरें हमको दिखाएंगे, ताकि ये तो आपको ओवरव्यू था जो पूरी राजधानी रांची का दृश्य आपको नज़र आया। और वहाँ कहते हैं कि ड्रोन इमेज जो होता है वो आपको नज़र आया है। आंटी लगता है थक गई हैं आप ना बहन जी? थक गई हैं आप ना? नहीं, फोटो तस्वीर ले रही हैं। अच्छा अच्छा, भाई साहब हैं ओ, तो हम लोग ने डिस्टर्ब कर दिया, फ्रेम में आ गए हैं। कैसा है? बहुत बहन जी को लेकर आई हैं जी, कैसा एक्सपीरियंस है बताइए जी? अच्छा लग रहा है, पहली बार आया, अच्छा लग रहा है। नहीं जी, तो लोग अभी कह रहे हैं कि फिर कोरोना आ रहा है भाई, डरने की जरूरत है? ऐसा है कोरोना तो न्यूज में जैसा देखा जा रहा है कि आ ही रहा है। जी जी, सुनने में मिल ही रहा है। नया साल तो मनाना है भाई, बाकी तो नया साल तो मनाना है, उसे डरना नहीं है, लड़ना है, तो एहतियात बरतना है, प्रिकॉशन लेना है। आदमी सब लड़ ही रहा है, लड़ लड़के अभी तक चला है, उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि
डरना नहीं है, उसे लड़ना है और उसे हमें और दो दो हाथ करना है। तो ये देखिए पूरी तस्वीर आपको नज़र आएगी और ये बेहतरीन शॉट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो आज के दिन को खुशियों से सराबोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो नौजवान लड़के हैं, थक गए क्या भाई साहब? नहीं, नौजवान थक जाएंगे ऐसा लगता है। थकना भी स्वीकार करना भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ अंकल आप तो थक गए होंगे। नहीं हल तो उतना मैंने सीढ़ी का जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है और स्टेप भी अच्छा है, ज्यादा थकावट नहीं लगती। 57 के हैं। 57 बहुत जवान है आप। जवान है आप। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। 57 हम लोग देखिए न्यूज बायोस्कोप से हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हम लोग को देखें। जरूर जरूर आपको बधाई देते हैं कि इतना चोटी में आकर के झारखंड का टाइगर हिल का आपने, हम लोग सभी ये लोकेशन में गए हैं, कोशिश यही कर रहे हैं तमाम लोकेशन में जाएं और लोगों से बातचीत करें। और ये खास तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपको, हालांकि अब तो बरसात के दिनों में इन तमाम ये झाड़ियाँ जो हैं वो कैद कर लेती हैं इन लोकेशंस को, लेकिन हम चाहेंगे कि इस स्थल में आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? नहीं बात करेंगी, फिरायलाल से तो रांची से हुआ ना, रांची बोलिए। कैसे एक्सपीरियंस हुआ बताइए यहाँ आने का? अच्छा रहा। तस्वीर ले रही ना, लगता है रील वगैरह बना रही है। हाँ। है ना, रील ना बहुत क्रेज है रील का। है ना, क्या लग रहा है, ये अच्छा स्पॉट है रील बनाने के लिए? हाँ अच्छा है ना। और बताइए यहाँ कैसा लगा, क्या सोच कर आई थी? रील बनाने तो आई नहीं हूँ, घूमने के लिए। घूमने के लिए आए थे। अब नए साल का क्या ये है अज़्म और इरादा है, अगले साल क्या करना है? इस साल में अगले साल कहीं और जाएंगे, यहाँ पे ठीक है। अब ठीक है इतना ही। जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस करते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो देखिए पूरा का पूरा जो एरिया है वो पहले झाड़ियों में कैद रहता था। आप भाई साहब पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं जी, जी। और यहाँ तो काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं गंदगी है। हाँ सर, गंदगी तो है ना जी, गंदगी है बैठे हुए हैं। हाँ चारों तरफ गंदगी तो दिख रही है। आप बहन जी बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आने का? मैं यहाँ पे पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं आप? रांची की नहीं लग रही हैं? नहीं रांची के ही हैं। रांची की हैं सब तो टेगर हिल के बारे आपने सुना ही होगा? हाँ सुने, पर आए पहली बार। पहली बार आए हैं ना आप? भाई से पहले आए थे क्या? हाँ सर, इससे पहले हम आए हुए हैं। अच्छा, कैसा है एक्सपीरियंस, क्या लग रहा है? थोड़ा सरकार अगर ध्यान देती ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ हाँ सही बात है, लोग और बड़ी संख्या में आते हैं। हाँ बड़ी संख्या में आते हैं लोग। बच्चा तो आपका, चलिए ठीक है, इतना ही छोटा मां गया टैगोर के। जी 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 ठीक है, बधाई हो आपको। और जाहिर सी बात है नए साल का आगमन है और नए साल में तमाम जो लोग हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं। आप लोग ऐसे इधर से चढ़े हैं? आप लोग इधर से चढ़ कर गए हैं? हाँ, इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी फैमिली के साथ आए हुए हैं? नहीं हाँ अच्छा, बच्चों को लोग साथ में लेकर आए हैं। ओह अच्छा ठीक है, हम देखिए इधर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये इधर से देखिएगा बिल्कुल रांची के एक अलग रंग, अलग रूप, अलग नज़रिया आपको इधर दिखेगा। और आमतौर पर शहर में इतना खुला लोकेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको खुला नज़ारा मिल रहा है, बड़ी बात है। और लगातार जो ये है रांची की आबादी, जनसंख्या कहें वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो खाली स्थान है वो कम पड़ते जा रहे हैं। बहरहाल आप देखिए ये पूरा का पूरा इलाका पठारों से भरा पड़ा है। बगल में टैगोर हिल का जो एक आकृति नुमा जो जगह है वो है, इसे छिपा हुआ है, ढका हुआ है, उधर भी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई हैं। और तमाम लोग फोटोग्राफी के जो शौकीन हैं वो यहाँ पर आते हैं, रील बनाने के शौकीन हैं। और अब तो सोशल मीडिया का क्रेज़ है, तमाम लोग अपनी तस्वीरों को, अपने बातों को मोटिवेट करने के लिए सोशल मीडिया चीज़ों को अपलोड करते हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लोकेशन उनके लिए ज़रूरी होता है। बहरहाल हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और इस नोट के साथ समाप्त करते हैं कि कई पर्यटन स्थलों में हम लोग गए, चाहे जोना हो, हुंडरू हो, या सीता फॉल हो, या कांकेर डैम हो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अप टू मार्क नहीं है, ये बात स्वीकार करनी होगी। और उम्मीद की जानी चाहिए, अगर हमारी आवाज़, हमारी बातें पर्यटन विभाग तक पहुँच रही होंगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। और इस स्थल का नाम रविंद्रनाथ टैगोर साहब से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उसका मान सम्मान, इज्जत भी होनी चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं।
ऑप्टिक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें चार धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स हरमू रोड किशोरगंज चौक रांची, फोन नंबर 9122760999। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोर सैफ्रॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफ्रन, क्राउन स्पा एंड सलोन, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।